वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मैथ विद विनायक में। लास्ट टाइम हमने सेट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के सेट के बारे में पढ़ा था। अभी आगे पढ़ते हैं सेट के दो टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म, दूसरा एंड रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। आप यहाँ पे चार नाम देख रहे हैं जिनमें से इन दो का मतलब एक ही बात है और इन दोनों का मतलब एक ही बात है। पहला लिस्टिंग मेथड, या तो उसको हम रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, लिस्टिंग मेथड या तो रोस्टर फॉर्म, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि लिस्टिंग मेथड ऑफ सेट क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट क्या होता है। इतना बता दूं कि कोई भी सेट कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर होता है, आपको कर्ल ब्रैकेट्स बनाना आना चाहिए। लेट मी शो यू हाउ टू मेक इट। दिस इज द ओपनिंग ऑफ द कर्ल ब्रैकेट, लाइक दिस एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द कर्ल ब्रैकेट, लाइक दिस। इन्हें कहते हैं कर्ल ब्रैकेट्स, और कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर ही सब रहेगा, चाहे वो लिस्टिंग मेथड हो, सेट बिल्डर फॉर्म हो, सब कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर ही रहेगा। ओके, हाँ, तो सबसे पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड देखते हैं क्या होता है, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म। देखो, आपके सामने मैंने चार सेट रखे हैं, ए बी सी डी, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। सेट ए में मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 4 5। तो आई हैव सिंपली रिटन ए में कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज कॉल्ड एज लिस्टिंग, और एक एक एलिमेंट के बीच में कॉमा होता है, ठीक है। इसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड, जहाँ पे आपने एक एक एलिमेंट एक्चुअली लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय द कॉमास। बी 2, 4, 6, 8, 10। सी सी इज द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, मंडे ट्यूजडे .. दैट मीन्स वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, वेयर यू एक्चुअली राइट डाउन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एंड यू गिव अ कॉमा इन बिटवीन टू सेपरेट देम। और डी सेट जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून एंड ऑनवर्ड्स टिल डिसंबर। ये चार एग्जाम्पल्स हैं लिस्टिंग मेथड के। लिस्टिंग मेथड में सीधा सीधा आप जो भी एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्टली लिख देते हो, फाइन। और जब हम सेकेंड फॉर्म करेंगे तब आपको एक्चुअली फ़र्क समझेगा कि लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में फ़र्क क्या है। अभी हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इन्हीं क्वेश्चंस का हम सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, पॉपुलरली नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने पहले एग्जाम्पल्स किए थे, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल था ए, जिसमें था 1, 2, 3, 4, 5। We just listed out simply, लेकिन set builder form में हम ऐसा list नहीं करते हैं, हम define करते हैं एक statement जो उस list को generate करता है। जैसे कि A, x such that, इस vertical line को कहते हैं such that x belongs to natural number। ये जो symbol है this is called as belongs to symbol, x such that, इसका मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है ताकि x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और 5 से कम है। नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 बस, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 5 से लेस है और इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 5। तो a में क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वही हुआ कि नहीं जो लिस्टिंग मेथड पे हमने पहला एग्जांपल पढ़ा था। तो 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप सिंपली लिखते हो तो उसको लिस्टिंग मेथड कहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो x such that, x belongs to something और उसके साथ एक कंडीशन जिससे वो पूरा सेट जनरेट हो, तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेट नंबर बी। याद करो पहले क्या था, सेट नंबर बी में 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो बेसिकली ये है x such that x is equals to 2n, 2n, 2n मतलब multiples of 2, n का वैल्यू अगर आप 1 डालोगे तो 2 into 1 is 2,
एन का वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तो 2 2 ज़ा 4, एन का वैल्यू 3 डालेंगे तो 2 3 ज़ा 6, एन का वैल्यू 4 डालेंगे तो 2 4 ज़ा 8, एन का वैल्यू 5 डालेंगे तो 2 5 ज़ा 10, बस 10 तक ही था, उससे आगे नहीं जाना है। सो एन का वैल्यू 1 डलेगा, 2 डलेगा, 3 डलेगा, 4 डलेगा और 5 डलेगा, 2 5 ज़ा 10, बस वो था टेबल ऑफ 2 अप टू 10। तो 2n मतलब क्या हुआ, टेबल ऑफ 2, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, 1 से, और n लेस देन इक्वल्स टू 5 मतलब 1 से लेके 5 तक। तो आप यहाँ पे डालेंगे n का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या निकलेगा नंबर, 2, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो नंबर क्या निकलेगा, 4, n का वैल्यू 3 डालेंगे तो 2 3 ज़ा नंबर क्या निकलेगा, 6, n का वैल्यू 4 डालेंगे तो नंबर क्या निकलेगा, 8, एंड लाइक वाइज जब n का वैल्यू 5 डालेंगे तो 2 5 ज़ा नंबर क्या निकलेगा, 10। सो ऐसे करके 2 4 6 8 10 वो सेट बी जो लिस्टिंग फॉर्म में था वो जनरेट हो जाता है। ये जो सेट है ये लिस्टिंग मेथड के सेट को जनरेट करता है, फाइन। और सी, सी क्या था याद है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये सब क्या है, कैन आई से दैट दीज आर द डेज ऑफ अ वीक, यस और नो? सो x सच दैट x इज अ डे ऑफ अ वीक, बराबर। x क्या है, वीक का डे है, जिसमें मंडे भी हो सकता है ट्यूसडे भी हो सकता है ऑनवर्ड्स संडे तक, फाइन। और याद करो हमारा डी सेट क्या था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल डॉट डॉट अप टू दिसंबर। तो कैन आई से कि ये हमारे मंथ्स हैं, कैलेंडर के मंथ्स हैं, फाइन। हमारा कैलेंडर जो है उसे कहा जाता है एक सोलार कैलेंडर, तो सोलार ईयर कहा जाता है। तो x सच दैट x इज अ मंथ इन अ सोलार ईयर, x सच दैट x इज अ मंथ, सोलार कैलेंडर का मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। सो आप देख सकते हैं डिफरेंस लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं, वर्ड्स लिखे होते हैं जो लिस्टिंग मेथड को जनरेट करते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्टिंग मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म।